हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज अगेन मैं आपको एक प्रॉब्लम एफ एल से रिलेटेड कराने जा रहा हूं, बट ये प्रॉब्लम हैकर रैंक से ली गई है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या, इसको सॉल्व करने का लॉजिक क्या हो सकता है, और इसका मैं आपको जावा में इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। सी, हमें एक नंबर यूजर से लेना है, या वो नंबर वहां पर होगा। नॉर्मली मैं यूजर से इनपुट लेना आपको सिखाऊंगा, और इसके ऊपर हमें कुछ कंडीशनल एक्शंस करने हैं। पहला, अगर ये नंबर ऑड है, ऑड और इवन का मैं प्रोग्राम इससे पहले जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर मेरा नंबर ऑड है तो हम वियर्ड प्रिंट कराएंगे। वियर्ड मीन्स अजीब सा, राइट, विचित्र कोई चीज चीज होती होगी, राइट। अगर मेरा नंबर इवन है, बट इवन के साथ साथ अगर वो नंबर आपका 2 to 5 के बीच में है, यहां पर एक टर्म यूज कर रखा है मैंने इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि 2 और 5 दोनों इसका पार्ट है, राइट। 2 को भी इंक्लूड करेगा और 5 को भी इंक्लूड करेगा, तो हम उस केस में क्या प्रिंट कराएंगे, नॉट वियर्ड। अगर नंबर इवन है और अगर वो 6 to 20 के बीच में, ध्यान रखना 5 को हम ऑलरेडी यहां पर ले चुके हैं, अगर हमारा नंबर 6 और 20 के बीच में है तो हमें वियर्ड प्रिंट कराना है। अगर नंबर अगेन हमारा इवन है और वो नंबर अगर ग्रेटर देन 20 है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, नॉट वियर्ड। तो समटाइम्स बिगनर इस वियर्ड और नॉन वियर्ड के ट्रैप में फंस जाता है। हमें इसे प्रॉपरली सीखना है। पहले तो आपको ऑड और इवन पे ध्यान देना है कि अगर मेरा नंबर ऑड है तो वहां तो कोई और एडिशनल कोई कंडीशन है नहीं, तो यहां पर सिंपल आप क्या प्रिंट करा देंगे, वियर्ड प्रिंट करा देंगे। एल्स में आकर हमें इवन के साथ कई सारी सिचुएशंस को देखना है। तो इसका फ्लो क्या होगा, इसका फ्लो देख लेते हैं कि हमें एक इनपुट लेना है, एक नंबर लेंगे हम यूजर से, बट यहां पर एक कॉन्स्टेंट है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट क्या है कि वो नंबर जो है वो 1 और 100 के बीच में होना चाहिए। वो नंबर न तो माइनस में हो और ना ही वो नंबर ग्रेटर देन 100 हो। और यहां पर हमें आउटपुट में क्या लेके आना है, या तो हम वियर्ड प्रिंट कराएंगे या फिर हम नॉट वियर्ड प्रिंट कराएंगे। वो कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं, हो सकता है आप भूल भी गए होंगे उन्हें, आप टेंशन मत लीजिए, जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। मैं आपको हमेशा की तरह पहले इसका लॉजिक बताना चाहता हूं। लॉजिक हमेशा लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। आप इसे सी में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर हमने एक इफ कंडीशन लगाई, अगर ये नंबर ऑड है तो वियर्ड प्रिंट करा दीजिए, अगर ये ऑड नहीं है तो फिर तो एक ही रास्ता बचा, विच इज व्हाट, इवन। तो ये एल्स में आएगा, और एल्स में हमने ये सिचुएशन लगाई कि अगर ये नंबर हमारा 2 to 5 के बीच में है तो आप नॉट वियर्ड प्रिंट करा दो। अब ध्यान रखना, नेस्टेड इफ एल्स आपने पढ़ा होगा, इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकते हैं और एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इफ के अंदर ही इफ एल्स यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग कैसे है बताएं, कि इसमें हम एल्स के अंदर इफ एल्स लेकर बैठे हुए हैं। सो एल्स के अंदर यहां पर एक कंडीशन लगाई, अगर 2 to 5 के बीच में तो नॉट वियर्ड, और अगर 6 और 20 के बीच में है तो वियर्ड प्रिंट कराना है, और अगर ग्रेटर देन 20 है तो फिर तो एक ही ऑप्शन बना दो, वहां पर कंडीशन को हमें टेस्ट नहीं करना होता है। हमेशा ध्यान रखना, कंडीशन इफ के बाद ही टेस्ट होती है। जैसे यहां पर इफ था तो कंडीशन है, एल्स के साथ यहां पर इफ है तो कंडीशन है। तो चलिए इसका हम जावा में एक बार इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। हालांकि नीचे मैंने इसका इंप्लीमेंटेशन दे रखा है, अगर आप ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूं। मैं नॉर्मली एक आईडी यूज करता हूं, एक्लिप्स, बट आप इस प्रोग्राम को नोटपैड पे, सबलाइन पर, इंटेलिजे, नेटबीन्स, आप किसी भी आईडी पर, इनफैक्ट कोई भी ऑनलाइन आईडी पर भी आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। मैंने आपके लिए एक वर्क स्पेस बना रखा था विच इज नोन एज द डेली कोडिंग प्रैक्टिस। ऑलरेडी
हम इवन ऑड का प्रोग्राम लास्ट वाले सेशन में कर चुके हैं। सी, इसी प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू, और यहां पर आपने एक क्लास बना ली। क्लास नेम कैन बी एनीथिंग, क्योंकि जैसे ये दूसरा प्रोग्राम है तो इसका नाम मैं टेस्ट टू रख देता हूं। मेन को यहीं से ले लिया हमने, देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन, मैक्सिमाइज इट, क्योंकि हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यूटिल एक पैकेज है, इसमें से मैं कोई क्लास यूज करने वाला हूं। सबसे पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, लेट से मैंने लिखा इंट नम, आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सी, जब भी कभी कोई टाइपो होती है तो आईडी का फायदा क्या होता है कि वो आपको तुरंत वहां पर एरर बता देगा, राइट। मैं थोड़ा सा आपको इसे समझा दूं, स्कैनर एक क्लास है जो कि यूटिल पैकेज को बिलोंग करती है, राइट। ये कहां से इनपुट लेगा? कीबोर्ड से इनपुट लेगा। नेक्स्ट इंट, अब यहां पर आप एक कॉन्स्टेंट लगाएं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नम लेस देन इक्वल टू 100। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक लिमिटेशन बताई थी कि नंबर 1 और 100 के बीच में ही होना चाहिए, राइट। देन यहां पर आके आप इसे चेक करिए, मॉड्यूलस बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम ऑड को प्रायोरिटी दे रहे हैं पहले, राइट। तो डबल इक्वल टू नहीं लगाएंगे, और यहां पर सिंपल एक वर्ड हमने टाइप कर दिया वियर्ड। क्या कंडीशन थी? कि वो नंबर अगर 2 और 5 के बीच में है नॉट वियर्ड, एल्स इफ, सॉरी, वो डबल कोट्स में आपको इसके अंदर रखना है। और फाइनली एक कंडीशन और हमारी थी, विच इज नोन एज व्हाट, नॉट वियर्ड। सी, मैं आपको इसे उन सिचुएशंस के साथ एक बार जस्टिफाई करवाना चाहता हूं। सी, पहली सिचुएशन, इफ नंबर इज ऑड तो क्या प्रिंट करा ना, वियर्ड, तो वो ये वाली सिचुएशन थी। अगर वो 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा तो वियर्ड प्रिंट हो जाएगा। देन अगर वो इवन है तो वो कहां पर आएगा, एल्स में आएगा। यहां पर क्या कंडीशन थी, नंबर इवन होना चाहिए और वो नंबर अगर 2 टू 5 के बीच में है तो नॉट वियर्ड प्रिंट होगा, तो वो यहां पर लगा दिया हमने। अगर 2 टू 5 के बीच में है तो नॉट वियर्ड प्रिंट होगा। इफ नंबर इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज 6 टू 20, अगर वो 6 और 20 के बीच में है तो फिर यहां पर वियर्ड प्रिंट होगा 6 और 20 के बीच में। और अगर वो नंबर आपका ग्रेटर देन 20 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट वियर्ड। वो हमारी ये वाली सिचुएशन है। एक बार इसे आप एग्जीक्यूट करके देखिए आप। सिंपल, मैंने रन पर क्लिक किया, ओके। सी, अब एक मिस्टेक यहां पर क्या हुई, अब यहां पर जैसे मैंने इसे चलाया तो कोई आउटपुट नहीं आया, राइट, कुछ मैसेज ही नहीं आ रहा। तो आप स्कैनर में आए और यहां पर एक मैसेज लिख दें। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स होती हैं, जैसे लीट कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, वहां पर ये इस प्रोग्राम को इतना यूजर फ्रेंडली नहीं बनाया जाता, वहां पर वो मैसेज वगैरह लिखते भी नहीं। मैं फिलहाल यहां पर लिख देता हूं एंटर एनी नंबर, सेव कराइए। रन कराने के लिए ये ऑप्शन होता है रन वाला, देखिए अब ये आ गया आउटपुट विंडो। अब यहां पर आपने क्या डाला, जैसे मैंने डाला 4, ये 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में, तो देखिए, और इवन भी है तो नॉट वियर्ड आ रहा है ना। आपको एक बार और चला के दिखाता हूं, लेट से मैंने यहां पे लिखा 26, क्या प्रिंट हो रहा है, नॉट वियर्ड प्रिंट हो रहा है क्योंकि इवन है और 20 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, नॉट वियर्ड प्रिंट हो रहा है। अगर आपको ये प्रिंट कराना है 6 और 20 वाला,
तो आप 6 और 20 के बीच में नंबर डाल दो ना, लेट्स से हमने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, इवन है और 6 और 20 के बीच में आ रहा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वियर्ड प्रिंट होगा। सिंपल, आप एंटर प्रेस करें तो देख रहे होंगे वियर्ड आ रहा है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, राइट। ये सॉल्यूशन जो नीचे इसमें लिखा हुआ है, जावा इम्प्लीमेंटेशन, क्लास का नाम अलग भले ही है, और आप ये जानते होंगे जावा में क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये। फिर आप टेलीग्राम पर आप मुझसे फाइंड करें इस चीज को। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।